आज हम कुशन बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 मीटर का कपड़ा चाहिए, एक स्केल चाहिए, एक सीजर चाहिए, इंची टेप, पेंसिल मार्क करने के लिए और सुई और धागा स्टिच करने के लिए, इतने चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी। 1.5 मीटर का जो हम कपड़ा लेंगे इसे हमें लंबाई में इस तरह से फोल्ड करके बीच से कट कर लेना है। अब हम इस कपड़े में ड्राफ्ट को बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच के बाद 3.5 इंच का ग्राफ तैयार कर लिया और इस साइड से भी 3.5 इंच। अब हमारा जो बीच का भाग है ये हमारा टोटल है 4.5 के अप्रॉक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तो हमारी सिलाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस सिलाई से लेकर के आप यहाँ पे रखिए इस तरह से रख करके 4 इंच, ये हमारा 4 इंच, ठीक है। फिर यहाँ से आपको 4 इंच ले लीजिएगा, हमारा 4 इंच आ जाएगा। फिर हम यहाँ से 4 इंच लेंगे तो ये हमारा 4 इंच आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ को मिलाते हुए चले जाना है। मतलब 2.5 इंच को ही 5 भागों में और डिवाइड करना है।
लेफ्ट में ये इस तरह से हमें मिला लेंगे। तो आपका कितना हो गया, 8, 1, 2, 3, 4, 5 फाइव भाग में ये डिवाइड हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस तरह से एक एक डिब्बा छोड़ते हुए मास्क लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर धीरे पूरा करना है। यहाँ पे फिर अपोजिट में ये जो छोटा हुआ हिस्सा है वहाँ पे हमें मार्क कर लेंगे। इधर भी सेम करेंगे। इस कपड़े को उल्टा करके इस किनारे से इस किनारे को मिलाते हुए हमें मशीन की सहायता से इसमें सिलाई लगा देंगे। अब हमें मशीन धागे को 4 मीटर नाप करके ले लेंगे। ये जो हमने 2.5 वाले भाग को 5 भागों में विभक्त किया था उसमें से पहले वाले भाग में हमें इस कॉर्नर में सुई को डालकर निकाल लेना है और उसे इस कॉर्नर से भी निकालना है, ये पहला वाला। फिर इसके जो सेकंड वाला है हिस्सा वहाँ पर इससे हमें इसे इस तरह से सुई को डालना है। डाल करके मैंने दोनों ओर इस तरह से बना करके तैयार कर लिया है। मतलब हमारा ये कितना होगा, 4 मीटर का हमें 4 बार लेना है और एक यहाँ पे होगा फिर सेकंड वाला। अब हमें क्या करना है, हमने ये जो 4-4 इंच का डिब्बा बनाया हुआ है इसकी सिलाई शुरू करनी है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सुई की सहायता से इस तरह से छोटे छोटे डिब्बे लेते हुए चले जाएंगे और इसे इस किनारे से उस किनारे तक मिला लेंगे। ये इस तरह से ये हमने दोनों किनारों को आपस में मिला लिया। ये देखिए इसे इस तरह से एक साथ ले आएंगे कपड़े को और यहाँ से इसे निकाल देंगे। यहाँ पे 2 से 3 बार नॉट लगा देंगे। फिर ये हमारा बन करके तैयार है। ये हमारा सीधे और इस तरह से फ्लावर्स आते जाएंगे। ये पूरे राउंड में हमें करना है। चलिए हम पूरा करके फिर आपको दिखाते हैं। हमारा ये हमारा कुशन बन करके तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है और ये जो हमने 4.5 इंच का जो भाग डिवाइड किया था उसमें ये मिडिल वाला भाग बनेगा। अब हमें इसमें अगला स्टेप क्या करना है, हमें कॉटन को फिलअप करना है। तो चलिए मैं आपको कॉटन को फिलअप करके दिखाती हूँ। इसके लिए आपको कॉटन लेना है, उसे इस तरह से करके इसका बॉल बना लेना है और बॉल बना करके ये जो हमने फ्लावर्स बनाए हैं इसी के अंदर में इसे इस तरह से दबाते हुए फिलअप कर लेंगे। तो ये आपका इस तरह से बनते चला जाएगा। हमने यहाँ पे कॉटन को डाल करके इसको फिलअप कर लिया है। अब हमें इसे पैक करना है। इसके लिए हमें स्टिच करना होगा। ये देखिए इस तरह से हम इसे पूरा राउंड में करते हुए स्टिच कर लेंगे। ये मैंने यहाँ पे गुंडा बना करके तैयार कर लिया है। अब हम इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। हमारा ये कुशन बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपको ये कुशन पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। बाय।